जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यहाँ पे जो एक्सटेंशन लेकर के आए हैं जो कि है लिस्ट व्यू विथ चेक बॉक्स एक्सटेंशन। तो ये वाला एक्सटेंशन का यूज़ करके आप लिस्ट व्यू में से मल्टीपल लिस्ट आइटम को एक साथ सिलेक्ट करके कोई भी एक्शन करा पाएंगे। जैसे कि अगर आपको लिस्ट में से कुछ लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करके न्यू लिस्ट क्रिएट करना है या लिस्ट में से रिमूव करना है, तो ये आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं कोडिलर के अंदर और यहाँ पे हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है लिस्ट व्यू विथ चेक बॉक्स करके। तो इसके अंदर हमने हमारा जो एक्सटेंशन है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। तो वो वाला एक्सटेंशन के अंदर हमें क्या क्या कंपोनेंट जो कि देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इस एक्सटेंशन को इंपोर्ट कर दिया है तो डिजाइनर सेशन के अंदर आपको कुछ यहाँ पे ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं जो कि वर्टिकल अरेंजमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले लिया है और इसका हाइट एंड वेट गेट को हम फुल पेन कर देते हैं। तो इसकी अगर हम जो कि ब्लॉक सेशन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो कि सारा कंपोनेंट जो कि देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्रिएट लिस्ट वाला ये ब्लॉक यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइजिंग का ब्लॉक लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट लिस्ट के साथ हम ये वाला जो लेआउट है वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें आप आइकन टाइटल सब टाइटल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको आइकन और सब टाइटल को हाइड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को फॉल्स कर सकते हैं या आप यहाँ पे जो कि ब्लॉक सेशन में भी आपको कंपोनेंट मिल जाएगा आइकॉन विजिबल और सबटाइटल विजिबल। तो ये दोनों कंपोनेंट को आप यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में भी आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे ऐड करना होगा। तो लिस्ट के लिए हम यहाँ पे बैकपैक के अंदर मैंने कुछ लिस्ट क्रिएट किया हुआ है तो वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। टाइटल लिस्ट और यहाँ पे एक URL का लिस्ट हमने ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले टाइटल के अंदर टाइटल लिस्ट को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और सबटाइटल के अंदर ये पब्लिश डेट यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। और आइकन के लिए हम यहाँ पर अलग से लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, सभी में हमें एक ही आइकन ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे आइकन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आइकन का लिस्ट क्रिएट कर लिया है तो वो वाला लिस्ट हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको मैंने लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट किया हुआ है तो उसको मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कि लिस्ट उस इस तरीके से क्रिएट हो चुका है जिसमें हमारा टाइटल सब टाइटल एंड आइकन के साथ। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ जो कि कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपको टाइटल साइज़, आइकन साइज़, सब टाइटल, फॉन्ट, ये सारा कुछ आप यहां से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहां पे टाइटल साइज़ को कर लेता हूं 16। तो इसमें से हम कोई भी लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही हम यहाँ पे आपको दो ब्लॉक कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सबसे पहला एक्शन के अंदर इसमें लिस्ट आइटम डू क्लिक के बाद आपको क्या कराना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आपको ब्लॉक मिल जाएगा ऑन क्लिक लिस्ट। तो जैसे ही लिस्ट आइटम पे क्लिक होगा तो आप यहाँ पे कोई भी एक्शन करा सकते हैं, अलग स्क्रीन में इसको ले जा सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें होल्ड करेंगे तो होल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट मोड यहाँ पे इनेबल हो जाता है। और सिलेक्ट मोड जैसे ही हमारा यहाँ पे इनेबल हो जाता है तो इसमें हमारा चेक बॉक्स जो कि शो कर जाता है। तो इसमें हमें जो कि चेक बॉक्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक कलर है तो वो वाला कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसके अंदर आप चेक बॉक्स कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चेकबॉक्स कलर को सेट कर दिया है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो जो कि सिलेक्ट मोड को इनेबल करने के लिए हमें लॉन्ग प्रेस करना होगा
तो यहाँ पे हमारा जो कि सिलेक्ट मोड इनेबल हो जाता है। तो अभी हम जो कि नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो भी लिस्ट आइटम हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम अलग तरीके से लिस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ। तो लेबल के अंदर हम ये लिस्ट आइटम क्लिक कर, जैसे ही हम लिस्ट आइटम पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो लेबल के अंदर सारा एलिमेंट हम यहाँ पे शो कराएंगे। तो इसमें हम जॉइन टेक्स्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है पोजीशन और लास्ट में हमारा ये सबटाइटल भी हमने ऐड कर दिया है। तो अभी हम जैसे ही हर एक लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो इसका पोजीशन, जो भी सबटाइटल, टाइटल, सारा लिस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो टाइटल को हम पहले कर देते हैं। तो इसमें हमें एक ही लिस्ट आइटम जिसमें हम क्लिक करते हैं उसका डाटा हमें इस लेबल के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी जैसे ही हमारा सिलेक्ट मोड ओपन होगा और जो जो आइटम हम लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे तो उसका लिस्ट हमें गेट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बटन हम ले लेते हैं नीचे, और इस बटन का जो कि हम टेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं सिलेक्ट आइटम, और बटन को भी हम रीनेम कर देते हैं और इसकी वेरिएट को हम फुल प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमारा नीचे एक बटन क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम बटन डू क्लिक का कंपोनेंट ले लेते हैं, बटन सिलेक्ट। तो उसमें हमें एक कंपोनेंट मिल जाता है सिलेक्टेड आइटम, तो ये वाला हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम ये वाला यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो उसके साथ जो और एक हमें ब्लॉक मिल जाता है गॉट वैल्यू, तो हम जिस भी लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसका सारा डाटा हमें हमारे लेबल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिस्ट आइटम वन पे क्लिक करेंगे, उसका पोजीशन, आइकन, यूआरएल, टाइटल एंड सबटाइटल यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो हर एक लिस्ट आइटम पे हम जैसे जैसे क्लिक करेंगे उसका सारा डाटा हमें मिल जाता है। तो बटन सिलेक्ट के अंदर हमने सिलेक्टेड आइटम को इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया और गॉट वैल्यू के अंदर हमें इसका लिस्ट हमें मिल जाता है। तो ये वाला को हम यहाँ पे डुप्लीकेट करके इसके साथ हम ऐड कर देते हैं। तो उसमें हमें वही सारा चीज़ें मिल जाएगा जो कि हमें लिस्ट में मिलेगा, जो जो आइटम हम सिलेक्ट करेंगे उसका लिस्ट हमें मिलेगा। तो वो हमें किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो हम इसको एक बार रिसेट कर लेते हैं। तो ये हमारा रिसेट हो चुका है। तो सबसे पहला चीज़ जो कि हम लिस्ट आइटम वन पे हम जैसे ही होल्ड करेंगे, ये पहला लिस्ट आइटम सिलेक्ट हो चुका है, और नेक्स्ट आइटम को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हम जैसे कि हमने दो लिस्ट आइटम सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट आइटम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कि पोजीशन वन, पोजीशन ज़ीरो एंड वन, ये लिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इसके बाद दो आइकन का यूआरएल आ चुका है और दो टाइटल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये हमारा जो कि लिस्ट क्रिएट हो चुका है, जो जिसको हम किसी भी तरीके से इसको अलग वेरिएबल क्रिएट करके उसमें हम स्टोर कर सकते हैं इस लिस्ट को। और उसके बाद हमें इसमें और भी चीज़ें देखने को मिल जाता है, जैसे कि सिलेक्ट ऑल। तो हर जितने भी लिस्ट आइटम हैं सभी को एक साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट नोन, तो वो वाला भी हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नीचे और दो तो बटन हम इसके साथ ले लेते हैं। तो इसको हम वेलीडेट कर देते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा लिस्ट आइटम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट नोन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। तो सिलेक्ट ऑल करके हम यहाँ पे कुछ लिस्ट आइटम को कस्टमाइज़ भी काम कर सकते हैं, जिसको हम हटाना चाहते हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो जो हमारा सिलेक्टेड है उसके बाद हम वो वाला लिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जैसे ही हम सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो जो आइटम है। तो अभी हम देख लेते हैं कोई भी लिस्ट आइटम को हम सिलेक्ट करके हमारे लिस्ट में से इसको रिमूव हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने दो लिस्ट आइटम सिलेक्ट कर लिया, तो अभी हम चाहते हैं कि इन दोनों को हम यहाँ से रिमूव करना है।
ताकि हमारे लिस्ट को भी अपडेट करके ये सारा जो डू लिस्ट आइटम है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए तो ज़रा सीज जो कि हमें यहाँ पे गॉट वैल्यू के अंदर ही क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टॉप करके, और इसमें हम जो कि मैथ्स का ज़ीरो वैल्यू हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पे वैल्यू गेट होगा तो उसमें भी हम इसको सबसे पहले ज़ीरो सेट कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट वाला जो फॉर इल्स आइटम ये वाला हम यहाँ पे लूप ले लेते हैं। और उसके बाद इसमें लिस्ट जो होगा हमारा टाइटल लिस्ट होगा, और इसमें हमें जो कि एक वेरिएबल भी हम क्रिएट करेंगे नया, जो कि न्यू टाइटल करके होगा, और इसको हम क्रिएट एम्प्टी लिस्ट कर देते हैं। तो इसको हम सिंपल करने के लिए सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट किया है जैसे कि टाइटल सब टाइटल, तो इसमें हम फिलहाल ओनली टाइटल को हम ऐड करके देखते हैं। तो उसके लिए बाकी जो भी अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रिएट एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आप करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो यहाँ पे आइकन विजिबल है इसको आप फॉल्स कर देना है, और सब टाइटल विजिबल फॉल्स कर देना है, तभी आप यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अभी ओनली एक ही लिस्ट आइटम जो कि शो करेगा ओनली टाइटल, और गॉट वैल्यू के अंदर भी हम यहाँ पे बाकी सब हम यहाँ से हटा देते हैं, ओनली टाइटल को हम यहाँ पे लेंगे। तो न्यू टाइटल हमने यहाँ पे कर दिया है, और इसकी इनिशियलाइजिंग के अंदर ही हम और एक चीज इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेन जो हमारा टाइटल लिस्ट है उसमें से न्यू लिस्ट के अंदर लिस्ट को कॉपी कर लेगा। तो उसके लिए हम कॉपी लिस्ट वाला ब्लॉक को हम यहाँ पे लगाएंगे, और टाइटल लिस्ट को न्यू लिस्ट के अंदर इनिशियलाइजिंग में कॉपी कर लेगा जो लिस्ट यहाँ पे सेट हुआ है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे जो सेट करना है सबसे पहले स्टॉप इसको हम सेट कर देते हैं, और इसके लिए हम मैथ्स का ब्लॉक लेंगे प्लस वन। तो करंट जितना है इसके अंदर और उसके बाद प्लस वन, और उसके बाद हम यहाँ पे रिमूव लिस्ट आइटम वाला ब्लॉक को हम इसमें ऐड करेंगे, और न्यू टाइटल लिस्ट में से हमें आइटम को रिमूव करना है। तो इसमें से हमें जो आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे हमें एक ब्लॉक मिल जाता है, तो लिस्ट के अंदर हमें एक ब्लॉक मिल जाता है इंडेक्स इन लिस्ट स्ट्रिंग, तो ये वाला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो उसमें से हम जो कि टाइटल लिस्ट को हम इसमें कनेक्ट करेंगे, या न्यू लिस्ट को भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हम ये वाला जो आइटम है वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो जो लिस्ट आइटम हम सिलेक्ट करेंगे वो वाला यहाँ पे रिमूव हो जाएगा जो जो लिस्ट आइटम है, और जैसे जैसे यहाँ पे लिस्ट आइटम रिमूव होगा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा दोबारा से लिस्ट सेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन को सेट कर देते हैं। तो इसमें हम दोबारा मैथ्स का लॉजिक लेंगे, और स्टॉप इज इक्वल टू अगर हमारा टाइटल का जो लेंथ है उसके बराबर है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ लिस्ट वाला ब्लॉक हम लेंगे, और ये वाला हम इसके साथ सेट कर देते हैं,
और उसके बाद दोबारा जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, क्रिएट लिस्ट, ये वाला हम इसके साथ सेट कर देते हैं। और इस बार जो हमारा यहाँ पे लिस्ट सेट करूँगा, जो कि न्यू लिस्ट, न्यू टाइटल हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये वाला कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो अभी हम इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ओनली टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे ही हमने पहला लिस्ट आइटम को सिलेक्ट कर लिया और दूसरा हमने सिलेक्ट कर लिया, और जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट आइटम पे करेंगे, तो ये दोनों लिस्ट आइटम यहाँ से रिमूव हो गया है। तो उसके बाद हम पहला लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करते हैं और एकदम लास्ट वाला सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बीच में से कोई भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो लिस्ट आइटम यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रिमूव किया है, वही लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो उसके साथ अगर आपको न्यू लिस्ट क्रिएट करना है, तो वो बहुत ही सिंपल है। आप डायरेक्टली ये वाला यहाँ पे अगर लगा देंगे और टाइटल वाला आप इसके साथ सेट कर देंगे, तो जो जो आपने सिलेक्ट किया है वो लिस्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले का तीन लिस्ट आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया, और जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमें पहले का जो तीन लिस्ट आइटम है वही ऐड हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर हम जो भी वैल्यू है वो हम किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। तो ऐड स्क्रीन हम क्रिएट करते हैं, तो स्क्रीन टू हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लेबल हम ले लेते हैं। सबसे पहले टाइटल यहाँ पे आएगा, और सब टाइटल के लिए भी ले लेते हैं आइकन और यूआरएल। तो सार आइटम है। तो सबसे पहले तो अभी हमारा जो कि टाइटल एंड यूआरएल यहाँ पे आना चाहिए, जैसे जैसे यहाँ पे हर एक लिस्ट आइटम पे क्लिक करेगा। तो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सार लेबल क्रिएट कर लिया है, और स्क्रीन इनिशियलाइजिंग का हम ब्लॉक इसके अंदर ले लेते हैं, स्क्रीन टू के अंदर। और सारी लेबल के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेट करेंगे गेट स्टार्टर वैल्यू। तो लेवल वन के अंदर हम यहाँ पे स्टार्टर वैल्यू, गेट स्टार्टर वैल्यू, और सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स वाला हम ले लेते हैं लिस्ट, मैथ्स का ब्लॉक लेते हैं इंडेक्स्ड वन एंड फोर। तो अभी हम जाते हैं, और उसके बाद सब टाइटल, आइकॉन, और लास्ट वाले में हम यहाँ पे यूआरएल को सेट करना होगा। तो यूआरएल को सेट करने के लिए हम जो कि और एक चीज़ हमें यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे न्यू यूआरएल करके हम एक और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद ये वाला जो रिमूव वाला ब्लॉक है वो हम और एक यहाँ पे ले लेते हैं, और इसमें हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं न्यू यूआरएल, और बाकी इंडेक्स आइटम सेम रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके न्यू यूआरएल के अंदर भी हम जो मेन यूआरएल में से वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स वाला ब्लॉक को ले लेते हैं, और इसमें हमारा जो कि लिस्ट होगा न्यू यूआरएल। और इंडेक्स पोजीशन को हम +1 करना होगा यहाँ पे जो पोजीशन है। तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक के अंदर ओपन अंडर स्क्रीन, स्क्रीन टू एंड मेक ए लिस्ट करके हमने आइकन
टाइटल सब टाइटल एंड जो हमारा यूआरएल है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम कोई भी लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे हमें जो कि टाइटल और यूआरएल हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स हमने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया था तो इसलिए अभी शो नहीं कर रहा है। और इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दिया जो कि है बैक प्रेस के अंदर क्लोज स्क्रीन को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम इसमें लिस्ट आइटम पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट लिस्ट आइटम ओपन हो जाएगा और दोबारा हम बैक करेंगे पहला हमारा लिस्ट आ जाएगा और इसमें से हम कोई भी लिस्ट हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। सारा लिस्ट आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया, लास्ट वाला भी सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट आइटम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये वाला जो कि रिमूव हो चुका है और जो जो रिमूव हो गया है इसके बाद जो हमारा लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है बाकी इसमें से हम जो भी लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे वही लिस्ट आइटम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाएगा। तो बैक जाएंगे तो ये था कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से इसका सारा इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बाकी जो भी आइकन है सबटाइटल है वो भी आप इसके साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये इसके लिए ये दोनों हम यहाँ पे थ्रू कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, आपको लिस्ट आइटम को रिमूव करने से पहले ये चीज़ आपको देख लेना है किस तरीके से जो कि वैल्यू को लिस्ट आइटम में से रिमूव करना है और किस तरीके से ऐड करना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसका जो सारा इम्प्लीमेंटेशन है अभी हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये वाला एक्सटेंशन मेरे डीपोस्ट एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको और भी कई चीज़ें जैसे कि लोडिंग इमेज आइकन और ऑफलाइन आइकन ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एसेट में से। तो ये सब आइकन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टाइटल पेंडिंग, टाइटल साइज, फॉन्ट, टाइटल को आप बोल्ड कर सकते हैं और आइकन हाइट एंड वेट गेट और यहाँ पे आपको डिवाइडर कलर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये सब आप जैसे कि यहाँ पे खुद ट्राई करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।